Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now our next question is question number 23. To find the boiling point of water, three students A, B and C use distilled water at 0 degree temperature, at room temperature and lukewarm water. कोई तीन स्टूडेंट्स ने बॉइलिंग पॉइंट को एग्जामिन करना था वाटर की. उसने क्या किया, तीन स्टूडेंट्स ने तीन टाइप के टेम्परेचर्स पे वाटर को लिया, ए बी सी. ए ने 0 डिग्री पे लिया, बी ने रूम टेम्परेचर पे लिया और सी ने ल्यूकवॉर्म वाटर लिया. ल्यूकवॉर्म वाटर जो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है. कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय थ्री स्टूडेंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है. नाउ तीनों जो है वाटर को ही कर रहे हैं डिस्टिल वाटर को. फर्क क्या है कि वो अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं. एक 0 डिग्री पे कर रहा है, एक रूम टेम्परेचर पे कर रहा है और एक ल्यूकवॉर्म वाटर पे कर रहा है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. कोई भी वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, ओशन का वाटर हो, वो बॉयल किस टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे. सो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. इट डज नॉट मैटर विच वाटर यू टेक. इफ यू टेक हॉट वाटर इट विल टेक लेस हीट टू बॉयल. If you take cold water, it needs more heat. Boiling point is a standard temperature. अगर आप hot water ले रहे हो तो इसका मतलब आपको कम heat चाहिए उसे boil करने के लिए. अगर आप cold water ले रहे हो तो आपको ज्यादा heat चाहिए उसे boil करने के लिए. अगर आप lukewarm water ले रहे हो तो आपको mediocre heat चाहिए कि आप जितनी heat provide करोगे ना ज्यादा ना कम, उससे भी वो boil होगा. लेकिन वो boil किस पे होगा, 100 degree temperature पे ही होगा. So boiling point is a standard temperature. वो चेंज कभी नहीं होता, आपका वाटर कैसा भी हो. इसलिए आप वाटर कहीं का भी लो, कितने भी टेम्परेचर का लो, इट विल डिपेंड वाटर बॉइल कितने पे ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है.